नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदू गुरु जी। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं यूपी एफसीआई का जो आंसर की है वो डिक्लेयर हो चुकी है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड्स कि आपके आंसर की जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, बताऊंगा कि आपको कैसे डाउनलोड करनी है। फ्रेंड्स, बताने से पहले कहना चाहूँगा, जिन फ्रेंड ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी के साथ एक बेल आइकन आगे उसे जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बताएं, हम ऑल इंडियन गवर्नमेंट वैकेंसी पल पल के अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो केवल बस आपको इस वीडियो में अपडेट करना है कि आप आंसर की आ चुकी है, आप अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में एफसीआई का जो भर्ती हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी है, 30 सितंबर 2018 को ये भर्ती हुई यानी ये परीक्षा हुई थी। तो इसकी देखिए, मैं अपनी फिलहाल यूट्यूब चैनल की टेक्निकल हिंदी चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर इस वेबसाइट की लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप सीधे यहाँ वेबसाइट पर आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस बताया जाएगा, जानकारी क्या क्या करना है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है क्या क्या करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जब आप थोड़ी नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश की एक्टिव अवेलेबल नाउ यहाँ पर लिखा होगा। आपको जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप सीधा ऑफिशियल वेबसाइट एफसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रेड जो हो रहा है, ये रेड यहाँ पर जब आप इस रेड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपकी आंसर की है वो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद ओपन होगी। देखिए, मैं ओपन कर लेता हूँ इसे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ओपन हो चुकी है और यहाँ पर जो है आप अपने देख सकते हैं, आपके पेपर सेट जो होगा उस पर लिखा होगा सेट ए और सेट बी, सेट सी, सेट डी, चार सेट थे। जो भी सेट आपका है आप अपनी आंसर की इससे चेक कर सकते हो। तो बस इतनी ही नहीं आपको इस वीडियो में देनी थी। और फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, मैंने यहाँ पर इसकी अपनी वेबसाइट की लिंक जो है वो चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देने के बाद फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।